सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भैया जी, हमारे यहाँ तो सभी तरह का है, पतंग वाले भी हैं, साइकिल वाले भी हैं, सभी तरह के हैं। मिला जुला है। मिला जुला है, मिला जुला है सब। हाँ, भाजपा का कुछ नहीं है यहाँ। हमारे गांव में कोई विकास नहीं है भाई। बिजली पानी ये तो सब टंकी लगी हुई है। बिजली तो ठीक आ रही है अब यहाँ पे, बिजली कोई दिक्कत नहीं। सड़क भी मेन रोड ठीक है अभी फिलहाल। बाकी जो साइडों की टूटी हुई है उनको ठीक करा दे बस, और क्या। हम तो झाड़ी पे जाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो पड़े भूखे घर। अपना बच्चे का पेट भर रहे बस, बच्चे पाल रहे अपने, कुछ नहीं यहाँ से। और क्या है यहाँ से, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जी, भाजपा सरकार ने गांव का तो कुछ किया ही नहीं। एक पुल बना के और खड़ा कर दिया, उनको इस पर को चढ़ो पहाड़ पे को नीचे को उतरो। हाँ, मुंजड़े वालों को तो फंसी दे दी भाजपा सरकार ने, तो उस पर नीचे को रास्ता नहीं अंडर पास। जी कुछ नहीं है, देख लो जाके अभी। माहौल तो देखो, ज़्यादातर तो साइकिल और पतंग का ही है माहौल। तो रही बात RLD की और BJP की, इसे भी वोट दिया था हमने, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार दिया था, इंडिया गठबंधन से आया था तो करता। अब इस पर क्या विश्वास किया जा सकता है, कभी इधर पलटी मारते हैं कभी इधर पलटी मारते हैं, इस पर क्या विश्वास किया जा सकता है बताओ। कवाल कांड हुआ था, इस कवाल कांड में जाट हिंदू मुस्लिम हो गई थी, ज़्यादातर जाट ही का जोर था। हम मेरे चार लड़के मुझे फंसा दिया मेरे भैया, जबकि हम थे नहीं वहाँ। हमारे गांव के कितने आदमी ऐसे हैं जो झगड़े में थे ही नहीं। कोई भी पार्टी आवे हमसे मिले तो सही, हमारा फैसला मसला हल करावे, पूरे गांव के वोट एक मुश्त पर डलवा दूँगा, ये मेरा वादा। और कोई नहीं, भुक्का मर रहा है, एक गरीबी आदमी भुक्का मर रहा, वही सड़कों पर फिर रहा, वही कट रहा, वही मर रहा। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर है, जहाँ पर आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं और यहाँ कहीं ना कहीं सियासी समीकरण जो है इस सीट पर बनते नजर आए। अलग अलग पार्टियाँ जो है अपने दांव पेंच लगा रही है। हम यहाँ से अगर प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा और रालोद के गठबंधन से यहाँ मिथिलेश पाल जी भाजपा की यहाँ कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस के गठबंधन से कादिर राणा जी की पुत्रवधु सुम्बुल राणा जी यहाँ चुनावी मैदान में है। वहीं आसपास से जाहिद हुसैन, बसपा से शाह नजर, इस तरह के प्रत्याशी जो है लगातार इस चुनाव में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। देखना ये होगा कि इस सीट पर क्या माहौल बनने वाला है। हम यहाँ मुझेड़ा सादात गांव में है और हम लोगों से बातचीत करेंगे कि इस चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, लोगों का क्या मन बन रहा है। जी नमस्कार जी भाई साहब। जी नमस्कार जी भाई। नमस्कार। क्या नाम जी? मोहम्मद अफजाल। अच्छा जी, अफजाल साहब, चुनाव है अभी 20 तारीख को, क्या देख रहे हैं, किस तरह का माहौल बनेगा, आपके हिसाब से क्या रुझान बन रहे हैं? भैया जी, हमारे यहाँ तो सभी तरह का है, पतंग वाले भी हैं, साइकिल वाले भी हैं, सभी तरह के हैं। मिला जुला है। मिला जुला है सब। हाँ, भाजपा का कुछ नहीं है यहाँ। तो गाँव है, जैसे आपके यहाँ पहले विधायक रहे, चंदन जी रहे, अब सांसद हो गए, तो उन्होंने भी 2-2.5 साल काम किया यहाँ, तो उनके कार्यकाल में कैसा रहा, उनका काम कैसा रहा? कुछ नहीं रहा हमारी तरफ से तो। गांव में जैसे भाई सुविधाएं होती है लोगों की, बिजली पानी रास्ते सड़कें, इस तरह से काम हुआ? भैया एक सड़क का वो निर्माण करवाया था यहाँ, वो सड़क ऐसी हो रही है, अगर जो ADSO मार दें तो सब उखड़ जा, ख़त्म है बिल्कुल, सब टूटी पड़ी है। तो क्या देख रहे, झुकाव या रुझान लोगों में, अलग अलग मुस्लिमों में भी कई कैंडिडेट आगे चुनाव में बटेगा आपके हिसाब से या क्या होगा? ज़्यादातर तो हमारे यहाँ साइकिल का हिसाब है, पतंग वाले भी बहुत हैं। MIM से? हाँ जी, उवैसी वाले। तो लेकिन अगर इस तरह मुस्लिम वोट बटेगा तो आपको दूसरों को फ़ायदा नहीं होगा फिर इससे? नहीं, फ़ायदा तो होगा भाई, जब अलग अलग फट जाएंगे तो फ़ायदा तो होगा ही उनको, लेकिन क्या करें, सब इधर उधर भाग रहे और जो कैंडिडेट हैं सब मुसलमान हैं। जी नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, क्या लग रहा, क्या देख रहे चुनाव में? चुनाव के बारे में वैसे तो हम नॉलेज रखते नहीं, लेकिन देख रहे ये हैं कि यहाँ से समाजवादी और पतंग ज़्यादा है, BJP के भी कई हैं यहाँ से, 40-50 परिवार BJP के भी हैं, सभी तरह के हैं। वोट का अधिकार अपने आपको सबको है, अपना डाल लो, अपनी वो करो पूरी। चलिए, जैसे सरकार है, सरकार में
लोग काम कर रहे हैं भाई, लगे आपको कि भाई लोगों का विकास हो रहा? चुनाव तो आते जाते रहे, लेकिन जिसकी भी सरकार आई है या रही है, गांव में विकास हुआ हुआ आपके? हमारे गांव में कोई विकास नहीं है भाई। बिजली पानी ये तो सब टंकी लगी हुई है, और बिजली तो ठीक आ रही है अब यहाँ पे, बिजली कोई दिक्कत नहीं। सड़क भी मेन रोड ठीक है अभी फिलहाल, बाकी जो साइडों की टूटी हुई है उनको ठीक करा दे बस, और क्या, यही है। बिजली पानी तो बिल्कुल बढ़िया है, नहीं यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है बिजली पानी में, वो तो पहले से ही बढ़िया है, पहले से ही बढ़िया है। ये कोई बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस हो या समाजवादी हो, बिजली पानी तो शुरू से ही ठीक है यहाँ का। कई मुद्दे होते हैं भाई आम आदमी के लिए, जो किसान है, मजदूर है, इस तरह के जो परिवार है भाई, महंगाई का भी असर लगा आपको या रोजगार की भी? महंगाई का है, तेल सस्ता हो गया था फिर महंगा कर दिया, आटा भी महंगा कर दिया, चीनी भी महंगी हो गई, सारी चीज हो रही भाई। आमदनी है आदमी की उतनी की। आमदनी मजदूरी आदमी है, किसान लोग हैं यहाँ से, मजदूर है यहाँ, कौन से बिजनेसमैन या व्यापारी लोग हैं, सारे मजदूर किसान लोग ही हैं गांव के अंदर, और कौन है? तो आदमी एक किसान परिवार या मजदूर परिवार जो है वो अपनी रोजी रोटी उसकी चल पा रही, या फिर आदमी जो है किसी ना किसी तरीके से लगा हुआ है बस, या बढ़ भी सके? किसानों को तो रोजी रोटी मिल जा, गेहूँ हो जा, चावल हो जा, मजदूर लोग तो बेचारा मजदूरी पे जाएगा, 500 लाख का कमा के फिर खा लेगा, 6000 खट्टे में भी आ रहे हैं। और उनके तो सरकार, मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार, किसानों को तो दे ही रही हर महीने मजदूरों के लिए। मिलेगा मजदूर आदमी को क्या मिलेगा बताओ? हम तो झाड़ी पे जाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो पड़े भूखे घर, अपना बच्चे का पेट भर रहे बस, बच्चे पाल रहे, अपने कुछ नहीं है यहाँ से, और क्या है यहाँ से, कुछ नहीं है। तो आसपास कोई रोजगार के साधन या फैक्ट्रिया वगैरह इस तरह? कुछ नहीं है ऐसा यहाँ से, ये तो आप भी घूम के देख रहे हैं, यहाँ से कुछ नहीं है। क्या कर दे भाई, आमदनी है उतनी आदमी की? कुछ नहीं है जी, भाजपा सरकार ने गांव का तो कुछ किया ही नहीं, एक पुल बना के और खड़ा कर दिया, उनको इस पे को चढ़ो पहाड़ पे को और नीचे को उतरो। हाँ, मुंजड़े वालों को तो फंसी दे दी भाजपा सरकार ने, तो उस पे नीचे को रास्ता नहीं है अंडरपास? हाँ जी, कुछ नहीं है, देख लो जाके अभी। तो क्या क्या दिक्कत हो गई उससे? दिक्कत ही हो गए, लेडीज चढ़ नहीं पाती ऊपर को, उसे तो गोदी में ठाक ले जानी पड़ेगी। अब उन वे खुदा में मोदी जी या योगी जी चढ़ के देखते हैं यहाँ को किस पे फर्क पड़ेगा। एक नाच की गठी बिहार की गठिया लेके चढ़ोगे तब पता चलेगा ना यहाँ क्या क्या होता है क्या नहीं, ऐसे कहने से थोड़ा ही होता है, जमीनी स्तर पर आके देखो ना क्या होता है। गांव के लोगों के लिए कोई सर्विस रोड वगैरह इस तरह? सर्विस रोड है, आगे दिया है सर्विस रोड, यू टर्न दिया है, वो किस काम का है, इतनी दूर पैदल चलेगा वजन लेके? औरतें हैं बेचारी, अपना न्यार मुट्ठी लाती हैं, लकड़ी लाती हैं, मजदूर आदमी है, क्या करेगा? तो फायदा नहीं हुआ रोड का इसका? नहीं, रोड का तो फायदा हुआ, लेकिन निकलने के लिए अंडरपास होता तो ज्यादा बेहतर होता ना। और जो गांव के किसान है भाई, उनकी भैंसा बुग्गी, ट्रैक्टर ट्रोली, इनमें भी उनमें भी दिक्कत आती है भाई। हाईवे पे चलना एक खतरनाक है ना भाई, आम आदमी के लिए पैदल चल रहा है, साइकिल से चल रहा है, हाईवे पे चल रहा है, वो तो फुल स्पीड पे आ रहा है, स्पीड पे आ रहा है, उसे तो रोक नहीं सकते ना। दिक्कत गांव के लोगों को, गांव के लोगों को है, समस्या ही समस्या है, समस्या का समाधान कौन करेगा? सरकार ही तो देखेगी इसको, ये हम तुम नहीं कर सकते, सरकार देखेगी इसकी समस्या का समाधान। चुनाव है आपकी सीट पे, क्या देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो देखो ज़्यादातर तो साइकिल और पतंग का ही है माहौल। तो रही बात RLD की और BJP की, इसे भी वोट दिया था हमने, ऐसी बात नहीं है, पिछली बार दिया था, इंडिया गठबंधन से आया था तो करता। अब इस पे क्या विश्वास किया जा सकता है, कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी इधर पलटी मारते हैं, इस पे क्या विश्वास किया जा सकता है बताओ? किस आधार पे मैं किसी को क्या कहें बताओ? इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो आज इधर है, उसने ज़्यादा ऑफर दे दिया उसको, उसने ऑफर दे दिया उसको, समझ की जनता है, मंत्री पद का ज़्यादा बड़ा ओहदा दे दिया था उसकी तरफ हो गया, कल समाजवादी दे देगी उसकी तरफ चले जाएंगे। लोगों के काम हो पाते हैं इस अदला बदली? ऐसे काम नहीं हो पाते जनता के, जनता परेशान होती है, केवल इन कामों से जनता परेशान होती है। गांव में कुछ हुआ पिछले सालों में आपके यहाँ? कुछ विकास हुआ हो भाई, बिजली पानी सड़कें स्वास्थ्य शिक्षा? स्वास्थ्य शिक्षा देख लो, यहीं से स्कूल पास में ही जाके देख लो क्या उसमें सुरक्षा है क्या नहीं है, वो तो आपको भी दिख जाएगा। अब कहने से तो बड़ी बड़ी बात कह तो सब देते हैं, लेकिन कहने में और करने में अंतर होता है। ये सरकार तो कह रही बहुत काम कर रही,
भारत को विश्व गुरु बना। अगर काम होते तो इतनी बात आप ना आते, आप ना करते, हम ना करते, समझे? आप ना करते। जैसे मीरापुर पे देख रहे, मुस्लिम बहुल एक तरह 1.25 लाख के करीब मुस्लिम वोटर है यहाँ, और इधर प्रत्याशी भी 4 प्रत्याशी है अलग अलग पार्टियों से, तो क्या फायदा हो जाएगा इससे भाजपा को, या फिर लोग एक तरफ जाएंगे या बढ़ जाएंगे? बस ये एक सोचने वाली बात है कि और कैंडिडेट जो हैं टोटल मुस्लिम हैं, अगर थोड़े थोड़े फट गए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, नहीं तो दिक्कत कुछ नहीं है। क्या नाम आप? मुनफैद अंसारी। अंसारी साहब, और भी लोग हैं उधर, हम उधर भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मीरापुर चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय बन रही है, क्या खतौली जैसे प्रयोग यहाँ किए जाएंगे या किस तरह से चीज़ें बनेगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछली बार जब रालोद और सपा का गठबंधन था तो खतौली सीट जीते उसी समीकरण में, और अब की बार मीरापुर उपचुनाव में भाजपा और रालोद का गठबंधन है, तो ये भी हम पता करेंगे कि इस बार मीरापुर में किस तरह के प्रयोग किए जाएंगे। चाचा नमस्कार। जी क्या नाम जी अपना? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। अच्छा जी, मोहम्मद साहब क्या लग रहा है मीरापुर चुनाव उपचुनाव है, आपने तो काफ़ी चुनाव देखे होंगे। इसमें ऑल्टी देने को भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो पार्टी हमें अच्छी लगे या मतलब ऐसा है कोई हमारी हमदर्दी करे। जब जाट कवाल कांड हुआ था, इस कवाल कांड में जाट हिंदू मुस्लिम हो गई थी, ज़्यादातर जाट ही का जोर था। हम मेरे 4 लड़के मुझे फंसा दिया मेरे भैया, जबकि हम थे नहीं वहाँ। हमारे गांव के कितने आदमी ऐसे हैं जो झगड़े में थे ही नहीं, और मौजूद आदमी थे मुखालिफों ने, जो हमारे मुखालिफ थे यहाँ के जिले वगैरह, इन्होंने फंसा दिया क्योंकि जाटों से मिले हुए थे। अब उसमें तुमसे बात बता, मैं आज तक हम फंसे कम से कम 10 लाख रुपए उठ लिए, 10 लाख रुपए। हम 18-19 आदमी हैं हमारे इस झगड़े में फंसे हुए, भी थे तो 21-22। 2013 का जो झगड़ा हुआ, 2013 का झगड़ा हुआ था, आज तक हमारी किसी ने मदद नहीं करी और ना हमारा कोई फैसला कराया। आज लोग नेता तो आ रहे लगातार चुनाव में आ रहे सब, कोई मतलब हाँ आश्वासन दे के जा रहे हमें, अगर ऑलरेडी आ जावे यहाँ और हमारी मदद करेगा तो हम उसे देंगे वोट, उसे दे देंगे। और हम 18 आदमियों का खानदान देख लो मेरा, मैं अकेला, मेरे कम से कम घर में 15 वोट है, तो केले के मेरी सुनेंगे तो मैं 15 वोट तो एक जगह दूंगा, फिर और मेरे आदमी हैं वे भी एक जगह, मैं सबको एक इकट्ठे कर दूंगा। 18-19 आदमी हैं, सबको एक जगह बिठा के वोट दिलवा दूंगा मैं, मगर सवाल है मेरी मदद तो करें कोई, तो उस कम से कम 10-12 गवाह रह रहे अभी और हमारे माफी गुजर लिए। हर तारीख पे 72,000 रुपये जा रहे, वो 7200 रुपये जाओ हर आदमी से, मतलब किसी 3,000, किसी 4,000, किसी 2,000, जैसे भी चीज़ें मौत दे रहे हैं। तो बताओ हम अपने गरीब आदमी, हम अपना कारोबार चलावे, अपने बच्चों का ब्याह करें, अपना क्या करें, हम क्या करें जो हमारे साथ ऐसा न्याय हो रहा और कोई सुनवाई यही नहीं। आप एक चीज़ बताइए कि जो दंगे में एक तरह से जो दीवार खड़ी हुई थी वो कुछ कम हुई है अभी, या फिर लोग सोच रहे हैं कम तो मतलब जब हो गए, जब हमारा कोई पीछा काटते हैं हम तो, हमें तो ही दिखाई दे रही है वहाँ तो जो की दीवार खड़ी। कई नए चेहरे भी है चुनाव में, जैसे लड़का है चंद्रशेखर आज़ाद, उसे भी मुस्लिम समाज बहुत पसंद कर रहा है। वो आज़ाद है, चंद्रशेखर आज़ाद भी आवे तो बात तो करे, वो हमसे मिले तो सही, कोई भी पार्टी आवे हमसे मिले तो सही, हमारा फैसला मसला हल करावे, पूरे गांव के वोट एक मुश्त पर डलवा दूँगा, ये मेरा वादा। इन लोगों के बीच तो आना होगा अगर चुनाव जीतना है। जब आवे जब ही तो, जब कोई आवेगा बात हम बात करेंगे हम कहे। तो इन सालों में गाँव में भी कुछ विकास हुआ, इन सालों में गांव में ही कुछ विकास हुआ? विकास नहीं हुआ यहाँ से, कोई विकास नहीं हुआ। किसी को भी फोन करे, किसी अधिकारी को भी वो उठाता ही नहीं। सफाई अदेले गंदगी कितनी यहाँ से मान लो, यहाँ से मान लो गांव में गंदगी। फिर अगर प्रधान बना हमने एक बलीपुरे को, वो क्या नाम, मुझे मुझेड़ वालों ने वोट ही नहीं दिया, मैं कैसे सफाई करा दूँ, कैसे काम करा दूँ।
भैया कोई कहीं नहीं, किसी का कुछ नहीं है, बड़े के गांड में बड़े के बड़े ही हो गए, और फिर कोई गरीबों को नहीं देखता कोई। तो गरीब आदमी की रोजी रोटी चल पा रही है आज के? तो कहीं नहीं चल रही कोई चीज़ नहीं भाई। ये तो अब ऐसा, मेरी बात सुन ले, ये लड़के अब नई उम्र के लड़के हो गए, बाहर पार्टी में जावे अपना कपड़ा बेच के या कुछ भी चीज़ सामान बेच के अपना गुजर कर रहे, लेकिन यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई रोजगार कुछ इस तरह कुछ नहीं रोजगार। यहाँ एक हमारा भाई है, वो जो बैठा पर आंगनबाड़ी में, वो जो वो क्या कहना नरेगा में और को कहते भी कोई नहीं पूछता, नरेगा में भी कोई नहीं पूछ रहा, कोई सुनवाई नहीं कहीं से कहीं लोग भी। अपने आदमी ले जा, अच्छा आप नहीं देते? हाँ कहते भी नहीं देते, पैसा मिल जाए टाइम पे उसका कुछ नहीं। आए 15-15 हाजिरी मार रखी हमारी, और तो काम किया था आपने, अब हाँ? तक पैसा भी नहीं मिला। हाँ है, कदे भी नहीं मिला, एक 5 पैसे भी नहीं मिले। जैसे मनरेगा में आपकी मजदूरी नहीं मिली, वरदान ने या सरकार ने नहीं दी, उसके अलग भी कुछ काम है आपके पास या वही काम है? नहीं और काम भी। हाँ अच्छा, चुनाव है, क्या देख रहे चुनाव में अपने आप? किसको वोट दे रहे, किसको जिता रहे इस बार? साइकिल को दे रहे, साइकिल को। बाकी भी तो है और भी लड़ रहे, उनका नहीं बनता माहौल है। अच्छा, क्या नाम भाई? मेरा नाम अंसार है भैया। अच्छा अंसार भाई, क्या कर रहे हो? हम तो ये पेड़ वेड़ का काम कर रहे हैं। अच्छा मजदूरी? हाँ जी मजदूरी, पेड़ कटाई का। हाँ जी। अच्छा क्या लगा 5 सालों में 10 सालों में कुछ बदलाव है जीवन? कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं है, सब परेशान है, मजदूर आदमी परेशान है इस टाइम। कोई लाला हो, कोई लाला हो, दुकान वाला हो, सब यही छके हुए, सिर्फ एक मजदूर आदमी भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, और कोई नहीं भूखा मर रहा है। एक गरीबी आदमी भूखा मर रहा, वही सड़कों पे फिर रहा, वही कट रहा, वही मर रहा, वही चक्कर काट रहा, और कुछ नहीं है लाभ। सरकार तो कह रही है हम लोगों को राशन दे रहे, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे। तो भैया राशन है, 10 किलो राशन मिलेगा, 1 महीने में मिलेगा, 15 दिन में। योगी जी ने राशन दिया गरीब आदमी को, दिया है, दो बार दिया है, ठीक दिया है, पर उसमें भी कटौती हो जा, वो भी मिल पत्ता नहीं सही करके। तो डीलर पूरा नहीं देते हैं? नहीं देता, कोई नहीं देता सही, कोई नहीं देता सही, सब ऐसे ही है, अपना जाओ आंख दिखा देते हैं। गरीब आदमी क्या बोल सके किसी को, वो दिखाएगा तो 2 डंडे और मारेंगे, पुलिस को फोन कर देगा, वो मजदूर आदमी को और पिटवा के भगा देगा, वो घर में डर के मारे भाग जाएगा, वो क्या करेगा फिर बताओ, वो अपनी 2 रोटी से भी बेकार हो जाएगा। आमदनी, मजदूर की आमदनी में कुछ बढ़ोतरी हुई मजदूर की? कोई बढ़ोतरी नहीं है, जो पहले 500-400 कमा लेते ना, वे भी ख़त्म ही हैं अब तो। अगर 4 दिन काम कर लिया तो 8 दिन ठल्ली हैं, कोई रोजगार नहीं है, बच्चों की देखभाल कुछ नहीं है, कहीं पे झगड़ा हो जाता है, गरीब आदमी पिट जाता है, अमीर साला बाबूजी बनकर घर में रहता है, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। जैसे महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लोग कह रहे भाई भाई देखो महंगाई जो है तो सबके लिए है, इसमें तो गरीबी मर रहा जो मर रहा, अमीर के लिए कोई महंगाई नहीं है। गरीब आदमी 500-400 कमाएगा, तेल चीनी लाएगा, अपना गुजारा कर लेगा, ना बच्चों की शादी कर सकता, ना कुछ बना सकता, कुछ नहीं कर सकता, गरीब आदमी परेशान है। जो गरीब आदमी को सरकार पूछेगी तभी सरकार के साथ है गरीब आदमी, अन्य कोई साथ नहीं है। चुनाव में क्या देख रहे हैं अभी, किसे पसंद कर? भाई देखेंगे जो हमारे लिए तो सही, गरीब आदमी के लिए जो करेगा उसे हम चुनाव देंगे, ठीक, बाकी हम किसी को चुनाव नहीं देने का भैया, हम तो ऐसे ही ठीक हैं, जैसे अपना पन्नी चुकते फिर रहे ना, ऐसे ही चुक जाएंगे, बस अपना ऐसे ही टाइम काटना हमें तो, जैसे काट रहे बस। ये मीरापुर विधानसभा सीट थी जहाँ पर हमने गाँव के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस चुनाव में क्या समीकरण बनेगा, लोगों की अलग अलग राय है चुनाव को लेकर, देखना ये दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव में मीरापुर की सीट किस पार्टी के हाथ लगेगी, किस राजनीतिक दल के पास जाएगी। जुड़े रहे आप CCA के साथ, उत्तर प्रदेश से खबरें आपको आती रहेगी। धन्यवाद।